तेहरान ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और डॉक्यूमेंट साइनिंग इस वक्त वहां पर चल रही है। कुछ ही देर में दोनों देशों के नेता वहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आज दूसरा दिन है इस दौरे का, दो दिन के दौरे का, और अब से कुछ देर पहले उन्होंने मुलाकात की थी और अब डॉक्यूमेंट साइन किए जा रहे हैं। जो समझौते हुए हैं, काफी अहम समझौते यहां पर दोनों के बीच में होने थे, जिसमें कि चाबहार पोर्ट शामिल है, साथ ही ऊर्जा और तेल को लेकर भी कई समझौते होने थे, उनकी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल ये तस्वीरें वहां से आ रही है जहां पर जो समझौते हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट साइन किए जा रहे हैं। سند چهارم یادداشت تفاهم همکاری فیما بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و آرشیو ملی هند. از طرف جمهوری اسلامی ایران جناب آقای صالحی امیری رئیس محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی و از طرف هند جناب آقای ساوراب کمار سفیر هند در تهران. Memorandum of understanding for cooperation between the National Archives of India and the National Library and Archives of the Islamic Republic of Iran. On the side of the Islamic Republic of Iran, His Excellency Mr. Salehi Amiri. तेहरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ईरान यात्रा पर है और आज उनकी मुलाकात हुई है हुसैन रूहानी से, और उसके बाद क्या समझौते हुए हैं उनका सेरेमनी इस वक्त चल रही है। सेरेमनी में बताया जाता है कि क्या समझौते हुए हैं और बकायदा वहां पर जो इससे जुड़े अधिकारी हैं वो आते हैं और हस्ताक्षर करते हैं। ये बहुत अहम है, तमाम समझौते जो हुए हैं, खासकर पाकिस्तान के जो चीन से रिश्ते हैं उसके मद्देनज़र चाबहार पोर्ट को लेकर जो फैसला लिया जाएगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, रणनीतिक तौर पर अहम है। चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए ये समझौता 13 साल से ये लटका हुआ है और अब उम्मीद की जा रही है कि इस पर भी मोहर लग गई होगी। साथ ही तेल और ऊर्जा को लेकर भी अहम समझौते दोनों देशों के बीच में हो सकते हैं।